हमास के सिपाही अभी तक मेरे जहनों पर सवार है। गजा पट्टी में डर से मेरी पेशाब हो जाती थी, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। मैं और मेरे तमाम फौजी जहनी तौर पर माजूर हो चुके थे। जो इसराइल की फौजी बची है वह भी हलाक हो जाएगी। हमारी सरकार ने इसराइली फौजों को जहन्नम में ढकेल दिया है। हमारी बातों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है और अब इसराइल की हुकूमत ने मुझे भी तन्हा छोड़ दिया है। एतराफ़ क्या है, गजा पट्टी में लड़ने वाले गोलानी ब्रिगेड के एक सिपाही ने, और इसका नाम है अविचाई लेवी। गोलानी ब्रिगेड के तमाम तर सिपाही और इसका पूरा दस्ता गजा पट्टी से इसराइल वापस आ चुका है, और वापस लौटने वालों में से एक सिपाही का नाम है अविचाई लेवी। इसने एतराफ़ क्या कि गजा पट्टी में उसके साथ क्या हुआ, किस तरह हमास के लड़ाके लड़ रहे थे, किस तरह मुश्किल मुकाबला था और किस तरह चैलेंजेस का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसराइल की आर्मी को। अविचाई लेवी ने जो इतराफ किया है उनके जो अल्फाज है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। रात के वक्त दहशत से मेरा पेशाब निकल जाता था। अभी तक लग रहा है कि मेरे सर पर आरपीजी के गोले उड़ रहे हैं। मैं खुद को बुलडोजर में लड़ाई करता तसव्वुर कर रहा हूं और लाशों की बदबू सूंघ रहा हूं। अगर शराब की बोतल ना पीऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी। मैं जख्मियों को उठा रहा हूं, तुम कहाँ हो? ज़्यादातर फौजी माजूर हो चुके हैं। मेरे बहुत सारे साथी और बहुत सारे कमांडर कर्नल मर चुके हैं। तुम्हारे लिए मैंने आम आदमियों को गजा पट्टी में अपने हाथों से कत्ल किया। 40 से ज़्यादा लोगों को मैंने मारा और तुम कहते हो कि दहशतगर्दों के हाथों पर खून है। रात को खुद पर मैं पेशाब कर देता हूँ। वो मेरे ख्वाबों में आते हैं और पूछते हैं कि तुमने हमें क्यों मारा। इस सब के लिए जिम्मेदार हमारी हुकूमत है, इसराइल की सरकार है। इसराइल की सरकार ने हमारी बात को नहीं सुनी, हम सबको गजा पट्टी में लड़ने के लिए भेज दिया। हमारी तैयारी वैसी नहीं थी। वो कहीं भी अचानक से निकल जाते हैं, हम पर हमला करते हैं, गोलियों की बुछार कर देते हैं, फिर वो अपनी सुरंगों में जाकर छुप जाते हैं, हमें पता ही नहीं लग पाता और इस तरह हम लगातार पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारा नुकसान हो जाता है जबकि हम उनका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों को हम मारते हैं उनके बारे में यकीन नहीं होता कि ये हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के लड़ाके हैं या आम शहरी हैं। यही हमारे लिए वहां सबसे बड़ी परेशानी रहती है। दूसरी तरफ हमास के लड़ाके हमें बहुत आसानी से टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, मार कर चले जाते हैं। ये सीधा सीधा एतराफ है गुलानी ब्रिगेड के एक सिपाही का, जिन तमाम को गजा पट्टी से वापस इसराइल बुला लिया गया है। इससे पहले भी इसराइल के कई फौजियों ने, कई सिपाहियों ने जिनको गजा पट्टी से वापस लौटना पड़ा था इसराइल, इसी तरह का एतराफ किया था कि हमारी हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकी। गजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन में, जमीनी लड़ाई में हम कमजोर पड़ रहे हैं, हमास के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। उन फौजियों ने भी इसी तरह का एतराफ किया था कि कहीं भी सुरंगों से निकलते हैं, हम पर हमला करते हैं, हमें अपने जाल में फंसा देते हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि हमास के लड़ाकों ने इजरायल की आर्मी को कई मर्तबा अपने जाल में फंसाया, पूरी की पूरी बटालियन को तबाह कर दिया। इसराइल की आर्मी ने गोलानी ब्रिगेड के पूरे दस्ता को, पूरी बटालियन को गजा पट्टी से इसराइल वापस बुला लिया। और इसराइल वापस बुलाने की वजह यही थी कि हमास के लड़ाकों ने अपने जाल में फंसाया गोलानी ब्रिगेड को, और गोलानी ब्रिगेड का 60% से ज़्यादा हिस्सा उसमें तबाह हो गया। जो दस्ता बचाने के लिए आया था वो भी हमास के जाल में फंस गया, वो भी उसमें तबाह बर्बाद हो गया। इस हमला में इसराइली आर्मी के 50 फौजियों के मरने की खबर आई थी, लेकिन अब जो डिटेल सामने आई है, जो तफसील सामने आई है, इसको देखकर लगता है कि 50 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा गुलानी ब्रिगेड के सिपाही गजा पट्टी में मारे गए हैं। लेकिन इसराइल ने इन खबरों को छुपा दिया है, सच्चाई से दुनिया को वाकिफ नहीं कराया है। लेकिन बहुत जल्द सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान हमास के हाथों गजा पट्टी में इसराइल को उठाना पड़ा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।